When you के वो का वो लेवल नहीं है जो आज है बहुत सारे लोग जो गेट गेट थे, आपको पुल डाउन भी कह रहे थे आपको आगे जा, जाने से भी शायद रोक रहे थे और तो उसी दौर में हमने एक और लड़की को भी देखा जो ज्यादा कमर्शलाइज हो के सामने ठीक है गाती वो भी अपनी फोक आपसे पहले आई आपसे आके यू नो

जो भी है दो नंबरियाँ करते हैं लेकिन मेरे से वो कभी नहीं हुई मैं किसी के हक़ हाँ के बारे में भी और अपनी फिर बात हो तो फिर मैं ज़्यादा खामोश होना बेहतर समझती हूँ हाँ उस वक्त की बात करूँ आपने इतना अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया जो आज तक मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं है हालाँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।, है कि कोई भी सिंगर है ना उसका टोन उसको आइडेंटिफाई करता है या उसको डिफ्रेंशिएट कर कर पाता है या करवाता है दूसरे सिंगर से आज तक आप देख लें जितने भी आर्टिस्ट जाने जाते हैं वो अपने टोन की वजह से जाने जाते हैं सोचें कि मेरा टोन भी मोटा था और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना था क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन है कि आपदा जी की भी मोटा मोटा वोकल टोन है वेशमा जी लेजेंड उनका भी क्यूबी का भी मोटा है मुझे अब अपनी आवाज़ को अलग, अलग करके दिखाना था।, था कि ये मेरी स्पेशलिटी है या मैं ऐसा गाती हूँ तो उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है कि मेरा टोन कहीं से भी फेमेलियर ना लगे कि इनके जैसा गा रही हूँ मैं या इनके जैसा है लेकिन लोग कहते थे कि इनके जैसा है हाँ मुझे सुजेस्ट किया करते थे कि आप इनका गाना गाया करें उसके जैसा तो मैं हमेशा कहती थी कि वो जो उनका है ना वो उनका है अल्लाह ने सिर्फ उनको दिया है अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो आपको देख के खुशी होनी चाहिए आपको दुआ करनी चाहिए उसके लिए तो आपको किसी के तबसल से दुआ मांग लें लेकिन अल्लाह ने जो आपको दिया उसमें शुक्र भी करना चाहिए जो आपके पास है वो आपका है ना वो कोई और नहीं छीन सकता है तो बुरा नहीं लगता था कि मतलब इतनी मेहनत की इसके बावजूद आए हाँ। और अभी भी वही बिल्कुल बुरा है। लगता था और फिर लाइक like, मैं नहीं हूँ मेरे से मॉडर्न नहीं हुआ जाता है मैं सादा सी हूँ मुझे हुँ। सादा रहना बहुत पसंद है तो ये भी कहा करना क्या बोल्ड टाइप का कुछ करो तो जो आप नहीं है ना वो भी ट्राई किया ये नहीं कि मैंने नहीं किया मैंने हर तरह का काम किया तो लेकिन उसमें मुझे कभी कंफर्टेबल कभी अपने रूह की सुकून के लिए मुझे नहीं मिला था कभी मतलब वो, वो मैं नहीं थी चीज नहीं फील होती ना थी ना कि मैं शूट भी कराती थी ना तो मेरे उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं आते थे तो मैं जो हूं मैं वो करती थी उसमें बहुत खुश हूँ उसमें मैं फुल एक्ट भी करती हूँ क्योंकि कि, मैं किसी के साथ तार जोड़ के किसी के साथ जुड़ के गा रही हूँ किसी के लिए गा रही हूँ वो अल्लाह है मेरा सब कुछ सुन तो, मतलब, के लिए तो वाई रीज़न था मुझसे क्वेश्चन किया जाता है अगर जुल्फी भाई भी सुन रहे हो तो उनको पता है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कभी कभार बात स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मेरी उनसे बहुत होती है काफ़ी डीप भी बात होती है अल्लाह की बातें होती हैं वो तो लोग मैं पूछते हैं आप अभी तक कोक स्टूडियो में क्यों नहीं है तो आई डोंट नो वो मुझे जानते हैं क्यों नहीं लिया ये उनको पता होगा <laughs> तो मेरे ख्याल से वो जो आर्टिस्ट से क्वेश्चन करने की बजाय ब्रांड से आपको पूछना चाहिए कि आप क्या ठीक है जुल्फी से ये सवाल जरूर रेज बिकॉज इट्स मतलब अगर एक बंदे ने आपसे शुरू किया तो